नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बात करने वाला हूं आप सभी के साथ एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि सुर्खियों में था और आज जो कॉर्पोरेट एक्शन होना है इसकी वजह से पिछले दो दिनों में स्टॉक अच्छी खासी तेजी में दिखाया आपको। स्टॉक का नाम है L&T लार्सन एंड टूर्बो। इस स्टॉक की बात की जाए तो कंपनी ने क्वार्टरली नंबर्स पेश करे अपने, साथ ही साथ बायबैक के ऊपर जो विचार करने वाली थी कंपनी, बायबैक भी अनाउंस कर दिया है कंपनी ने और बायबैक काफी अच्छा दिख रहा है। लगभग आपका ये बायबैक ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ रुपए का है। पूरी इक्विटी के हिसाब से देखेंगे तो ये ज्यादा नहीं होता, 2.5% के समथिंग का परसेंट इक्विटी का बायबैक हो गया, जिसे हम थम्सअप देंगे, खराब नहीं, अच्छा ही बायबैक माना जाएगा। पहले मैं आपको कुछ स्टॉक के बारे में बता दूं। देखिए, लगभग 20 तारीख को शेयर का भाव 2480 के समथिंग था, वहां से स्टॉक ने 2630 के समथिंग का हाई लगा दिया, 5% का जंप दिखाया, क्योंकि खबर आई कि 25 जुलाई को कंपनी बोर्ड मीटिंग कर रही है जहां अपने क्वार्टरली नंबर्स प्लस बायबैक पे अनाउंसमेंट करेगी, और उसी तेजी में शेयर ने कहीं ना कहीं उसी खबर में स्टॉक ने तेजी दिखाई और 2630 रुपए के लाइफ 52 वीक हाई कहीं ना कहीं हिट कर दिए स्टॉक ने। ये लाइफ हाई भी आप कह सकते हैं इस स्टॉक की। इस कंपनी की बात की जाए तो एक दिग्गज कंपनी है जिसको कंटिन्यू ऑर्डर्स मिलते रहते हैं, और एक ऐसी कंपनी है इसको ऑर्डर मिलने से फर्क नहीं पड़ता, मतलब इतनी बड़ी कंपनी है कि इसको पता है इस पे इतने ऑर्डर्स रहते हैं कि वो कंप्लीट ही नहीं कर पाते, फिर ये बांटते हैं। कंपनी को आज के सेशन में भी बड़े ऑर्डर मिले हैं, इतनी बड़ी कंपनी है कि ऑर्डर का अमाउंट तक डिस्क्लोज नहीं करती है, ये कह देती है कि 2,000 से 5,000 करोड़ के बीच के हैं, 7,000, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं देती कंपनी। आज भी कंपनी की बात की जाए तो बहुत सारी खबरों में है। पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा ऑर्डर से रिलेटेड, कंपनी को लगभग आज के सेशन में 2500 करोड़ तक के ऑर्डर मिलते हुए दिखे। अब आते हैं रिजल्ट्स पे। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 1700 करोड़ से बढ़कर 2493 करोड़ पे आता हुआ दिखा, 2493 करोड़ पे, तो बढ़िया जंप है। बाजार मान के चल रहा था 2200 करोड़ का प्रॉफिट आएगा, तो उसको पूरी तरीके से बीट करा है, 10% से ऑलमोस्ट बीट करा है अनुमान को, तो काफी बढ़िया नंबर दिख रहे हैं, थम्स अप। रेवेन्यू की बात की जाए 35,850 करोड़ से बढ़कर 47,882 करोड़ के कंपनी ने रेवेन्यू पेश करा है, बहुत ही शानदार नंबर दिख रहे हैं। कामकाजी मुनाफा देखोगे तो 4,900 करोड़ पे आया है कंपनी का, 3,950 करोड़ से बढ़कर, बाजार का अनुमान था 4,600 करोड़ का कामकाजी मुनाफा का, तो वो भी पूरी तरीके से बीट करा है मार्केट के अनुमान को। लेकिन एबिटा मार्जिन हल्के से बाजार के अनुमान से कम रह गए हैं, 11% का मार्केट का एस्टिमेट था, 10.2% का मार्जिन आते हुए दिखे हैं, 11.03% से घटकर 10.2% पे मार्जिन आए हैं, बाजार का अनुमान 11.3% का था। तो मार्जिन का नंबर छोड़ दिया जाए, बाकी सब कुछ शानदार है। साथ ही साथ कंपनी ने 6 रुपए प्रति शेयर का एक डिविडेंड भी, स्पेशल डिविडेंड अनाउंस करा है। अब आ जाते हैं उस खबर पे जो आप लोग सुनना चाहते हो, बायबैक, और किसी को क्या बायबैक में पार्टिसिपेट करना चाहिए, बायबैक के लिए लेना चाहिए, ये अपने आप में सवाल है, इसको भी समझते हैं। कंपनी अप्रूव्ड एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹506 करोड़ इन L&T एनर्जी ग्रीन टेक। कंपनी अप्रूव्ड एक्विजिशन ऑफ एंटायर स्टेक इन सापुरा नॉटिकल पावर PTE लिमिटेड। तो कंपनी ने पूरा का पूरा एक एक्विजिशन के लिए कहीं ना कहीं अप्रूवल दे दिया है, और एडिशनल 506 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा L&T एनर्जी ग्रीन टेक कंपनी में, इनकी जो एक सब्सिडियरी होगी। तो ये एक अपडेट दिया कंपनी ने। अब आ जाते हैं बायबैक पे। कंपनी अप्रूव्ड इनकॉर्पोरेशन ऑफ JV कंपनी फॉर ग्रीन एनर्जी बिजनेस विद इनिशियल सब्सक्राइब कैपिटल, एक और ये अपडेट थी। अब आते हैं बायबैक पे, सॉरी मैं बार बार यही बोल रहा हूँ लाइन, और कुछ और खबर पढ़ता हूँ, लेकिन अभी बायबैक है फाइनली। कंपनी अप्रूव्स बायबैक ऑफ शेयर, कंपनी टू बाय शेयर वर्थ अप टू ₹10,000 करोड़, 10,000 करोड़ का बायबैक कंपनी ने अनाउंस करा है। बायबैक का रूट टेंडर रूट है, यानी कि बहुत अच्छा भैया, बढ़िया है, टेंडर रूट में डायरेक्ट निवेशकों को फायदा होता है, और FY25 से ये कंपलसरी हो जाएगा कि कोई भी आपके लिए ओपन मार्केट से बायबैक नहीं, सबको टेंडर ही करना पड़ेगा, क्योंकि सेबी ने रूल निकाल दिए हैं, बट अब ऑलमोस्ट सभी लोग कहीं ना कहीं टेंडर रूट से कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। कंपनी ने बायबैक का प्राइस तय कराया ₹3,000 प्रति शेयर का। स्टॉक की आज की क्लोजिंग है 2560 के लेवल्स पे, यानी कि यहां से ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 20% हो गया, 18-20% के समथिंग का प्रीमियम है बायबैक का। अब सवाल ये उठता है क्या लेना चाहिए बायबैक या नहीं लेना चाहिए बायबैक के चलते, तो मेरे को लगता है नहीं लेना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप
किसी कॉर्पोरेट एक्शन के चलते ना शॉर्ट में पैसा बनाने के लिए खरीदोगे तो कभी पैसा नहीं बनेगा, ये मैंने नोटिस करा है और आपको भी मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ आप 100 शेयर लेते हो, 3,000 रुपये कंपनी को देते हो, कंपनी उन 100 में से मान के चलो 20 शेयर ले ले, 30 ले, 50 ले ले, 50 ले लेते हैं, और अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है, सब कुछ सामने आया नहीं है कि क्या रेशो निकलेगा क्या नहीं, वो तो बाद में पता चलेगा, अभी तो रिकॉर्ड डेट भी नहीं पता, ठीक है, तो वो बाद की बात है। 10,000 2.5% इक्विटी है, तो मेरे को लगता है कि आपको बायबैक के चलते तो केवल खरीदारी नहीं करनी है, बाकी आप लेना चाहते हो तो दैट इज योर, कहीं ना कहीं आपका अपना ओपिनियन होगा कि आप लेना, दैट इज योर चॉइस टोटली, हम ये कह सकते हैं आपकी अपनी मर्जी है, लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते। बाकी नंबर सुपर आए हैं, बायबैक बहुत अच्छा है, मार्केट को पसंद आना चाहिए, थम्सअप मिलना चाहिए, स्टॉक ब्लू स्काई जोन में चल रहा है, जिनके पास है मैं उनसे कहूंगा 2500 का आप एसएल रखें, 2480 के समथिंग का स्पेशली बन रहा है, वहां एसएल रखें और ट्रेल करते चले और होल्ड करते चले। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझो पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।